शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है, ये देश को कहां ले जाएंगे? शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विरासत टैक्स के बयान के बाद पित्रोदा का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें पित्रोदा ने भारत में पूर्व में रहने वाले लोग चीन जैसे और साउथ इंडिया में रह रहे लोगों को अफ्रीकन बताया है। सैम पित्रोदा के कथित रूप से नस्लीय टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शाहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है, और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शाहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शाहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे? अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होती है? क्या चमड़ी के रंग का खेल? शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक नई माला जपना शुरू किया, 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया।
मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस शहजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। खास खबर .com के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।